नमस्कार, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती, अस्पताल से ही कर रहे हैं काम। गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती कराई गई। शाह बीते दिनों कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और हाल ही में ठीक होकर घर लौटे थे। घर लौटने के बाद वह होम आइसोलेशन में थे। अमित शाह के भर्ती कराए जाने के बाद एम्स ने एक बयान जारी कर पूरी जानकारी दी है। एम्स के मीडिया और प्रोटोकॉल डिवीजन के चेयरपर्सन डॉक्टर प्रोफेसर आरती विज ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया कि बीते 3-4 दिनों में अमित शाह को शरीर दर्द और थकान की शिकायत थी। वह कोविड-19 की जांच में नेगेटिव पाए गए थे। उन्हें एम्स के पोस्ट कोविड केयर में भर्ती करवाया गया है। वह ठीक हैं और अस्पताल से अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली, ठीक हो चुके मरीज फिर से हो रहे हैं कोविड-19 संक्रमित। राष्ट्रीय राजधानी में कुछ अस्पतालों का कहना है कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके कुछ मरीज फिर से संक्रमित होकर उनके पास आ रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इस महीने की शुरुआत में 2 मरीजों को कोरोना वायरस से उबरने के करीब 1.5 महीने बाद वे फिर से संक्रमित हो गए हैं। फिर से संक्रमण के दोनों मामलों में रोगियों में मध्यम लक्षण थे। दिल्ली का एक पुलिसकर्मी पिछले महीने फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया था, जिससे विशेषज्ञ भी परेशान थे। मोदी सरकार बिना संसद चलाए देश कैसे चला रही है, पूर्व जज जस्टिस एपी शाह। कोविड महामारी के समय हमारी संसद न सिर्फ बंद रही बल्कि उसने लोगों का नेतृत्व भी नहीं किया। मनमाने तरीके से काम करने की सरकार को अब छूट मिल गई है। उनके खिलाफ सवाल उठाने का कोई भी संस्थागत तरीका अब नहीं बचा है, ये कहना है पूर्व जज जस्टिस एपी शाह का, जिन्होंने रविवार यानी 16 अगस्त से शुरू हुई 6 दिवसीय जनता संसद में अपनी ये बात रखी। जस्टिस एपी शाह ने इस मौके पर कहा कि इस संकट के वक्त भी कई दूसरे देशों में हमने संसद को काम करते हुए देखा है। कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों की संसद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सत्र आयोजित किए हैं, लेकिन इस तरह की सोच हमारे सांसदों में नहीं दिखाई पड़ रही। देश की GDP पर स्टेट बैंक की रिपोर्ट परेशान करने वाली। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्तीय वर्ष में देश की GDP में 16.5% की गिरावट की आशंका जताई है। इससे पहले मई में SBI रिपोर्ट में चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में GDP में 20% से अधिक की गिरावट की आशंका जताई गई थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि कोविड-19 के कारण GSDP में कुल नुकसान 16.8% होगा। अवमानना केस, प्रशांत भूषण के समर्थन में आए SCHC के रिटायर्ड जज और ब्यूरोक्रेट्स। अवमानना केस में दोषी करार दिए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, शिक्षाविद और वकील आ गए हैं। भूषण के समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 3,000 से अधिक लोगों ने एक बयान जारी किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 13 रिटायर्ड जस्टिस ने हस्ताक्षर भी किए हैं। चिट्ठी में प्रशांत भूषण के खिलाफ 14 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने की अपील की गई है। पंजाब में फिर लग सकता है लॉकडाउन, CM अमरिंदर ने कहा उठाएंगे सख्त कदम। पंजाब में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार दोबारा लॉकडाउन के विकल्प पर विचार कर सकती है। कोरोना महामारी को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। उन जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन के बाद अब जापान भी आर्थिक मंदी की चपेट में, GDP में 27.8% की गिरावट। ब्रिटेन के बाद अब जापान भी कोरोना संक्रमण के चलते बुरी तरह आर्थिक मंदी का शिकार हो गया है। जापान की अर्थव्यवस्था को इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में बड़ा झटका लगा है। अब अप्रैल और जून तिमाही में जापान का GDP वार्षिक दर के मुकाबले 27.8% कम हुआ है। जापान में 1980 में डेटा मुहैया होने के बाद से ये GDP में सबसे बड़ी गिरावट है। हालात ये हैं कि जापान में लोगों के पास महामारी की वजह से खर्च करने लायक आमदनी भी नहीं रह गई है। हुवाई पर ट्रंप का बड़ा अटैक, अमेरिकन टेक्नोलॉजी वाली चिप नहीं खरीद सकती कंपनी। अमेरिका और चीन के बीच तकरार लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका चीन के खिलाफ एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है।
ट्रंप प्रशासन ने चाइनीज कंपनी हुवाई को अमेरिका में रोकने के लिए अपने फॉरेन डायरेक्टर प्रोडक्ट रूल का विस्तार किया है। नए नियम के बन जाने के बाद अगर कोई दूसरा देश की कंपनी भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चिप का निर्माण करती है तो हुवाई वह चिप नहीं खरीद सकती। ये बैन हुवाई के साथ साथ उसकी 38 सहयोगी कंपनियों पर भी लागू होगा। COVID-19 न्यूजीलैंड में एक महीने के लिए चुनाव टले, इटली ने फिर बंद किए नाइट क्लब। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद आम चुनावों को फिलहाल एक महीने के लिए टाल दिया है। न्यूजीलैंड में 100 दिनों तक संक्रमण का कोई मामला नहीं सामने आया था, लेकिन 3 दिन पहले ऑकलैंड के एक इलाके में संक्रमण के 49 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल इस इलाके में कड़ा लॉकडाउन लागू है और स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश चल रही है। जसिंडा आर्डन ने अगले महीने 19 सितंबर को होने वाले आम चुनावों को 4 सप्ताह के लिए टाल दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब चुनाव 17 अक्टूबर को होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती 25,000 चुनाव कर्मियों को सुरक्षित रखने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।